हेलो एवरीवन, विपिन दिस साइड। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, आप इसे कैसे पता लगा पाओगे। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी। टोटल डेट के मतलब हो गया कि कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, और टोटल इक्विटी में क्या हो गया कि कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे लगा के रखा है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों अब ये दोनों को डिवाइड जो कीजिएगा, जो निकलेगा वो डेट टू इक्विटी रेशियो निकल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा, आप आसान से समझ जाओगे। दोस्तों ABC एक कंपनी है, ठीक है, ABC एक कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे को 100 रुपया लगा के रखा है, और कंपनी ने डेट यानी कि कंपनी ने कर्जा 150 रुपया लेके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डेट टू टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी। टोटल कितना लेके कर्जा रखा है, 150 रुपया, इक्विटी कितना है, 100 रुपया। अगर डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि शेयर होल्डर, अगर मैं 1 रुपया लगाता हूँ तो कंपनी ने 1.5 रुपया कर्जे के रूप में पे करती है। ठीक है, कंपनी के ऊपर 1.5 रुपये का कर्जा है। तो दोस्तों ये भी माना जाता है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम रहता है उतना बढ़िया माना जाता है। ये आप अगर और भी चीज़ें को एनालिसिस करोगे, और भी स्टॉक को जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। #कुछ बड़ा करते हैं।